नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर उत्तर के अलियम्बर ग्राम में पीने के पानी की भारी समस्या। जेजेएम के नल और पानी के पाइप तक टूट गए हैं। स्थानीय अधिकारियों को नहीं परवाह। कर्नाटक प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा नहीं, लड़कियां बाहर निकलने से डरती हैं। डीवी सदानंद गौड़ा का आरोप। एक्ट्रेस पवित्रा जयराम की मौत से आहत को एक्टर व तेलुगु इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता चंद्रकांत की खुदकुशी। हमारे पास नरेंद्र मोदी हैं, हम एटीएम बंद से नहीं डरते। झांसी में पीओके पर बोले गृहमंत्री अमित शाह। लालू यादव पाकिस्तान चले जाए, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर बोला हमला। आज द्रौपदी का चीरहरण ही नहीं चरित्र हरण भी हुआ। स्वाति मालीवाल केस में बीजेपी का आप पर हमला। अब समाचार विस्तार से। बीदर उत्तर के अलियम्बर ग्राम में लोग पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ पर सरकार की ओर से चलाए जाने वाले जल जीवन मिशन जेजीएम के तहत नल बिठाए गए हैं और हर घर जल की व्यवस्था की गई है, परंतु उसमें पानी का कनेक्शन नहीं दिया गया है और हर जगह से इसके पाइप कटे हुए हैं और जल जीवन मिशन के लिए पानी आने के पाइप बहुत ही पतले और कमजोर लगाए गए हैं। कई जगह तो जेजीएम के नल बिठाए गए हैं, परंतु उनकी हालत इतनी खस्ता है कि उस नल की जो तख्ती है वह तक टूट गई है। इसकी पंचायत अधिकारियों को कोई परवाह नहीं है। पाइप कमजोर और छोटे हैं, जिसके कारण पानी नहीं आ रहा है। जब पाइप ही टूटे हुए हैं तो पानी कहां से आएगा। स्थानीय लोग इस संकट से काफी परेशान हैं और पंचायत के अधिकारियों की इस लापरवाही से कठिनाई का सामना कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। बीदर तालुका अलियम्बर ग्राम में जे जब नल बिठा है उसको पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चुप काम करके गए, इसको कैसा करना, ऐसा करे तो कैसा करना। पानी नहीं है हमारा गांव में। हाँ देख लो कैसा करे, हम अंदर रख डाल के क्या करना। हम पानी नहीं है तो क्या तो करो तुम, है ना। काम पूरा फेल हो गया जेजम का, हमारा गांव में पानी से नहीं आ रहे। कैसा कर रहे हैं आप, पानी कहाँ से भी ला रहे हैं? बहुत वनवास जा रहा पानी का, नहीं चाह रहा तो। पानी नहीं आ रहा, दो साल से हुआ पानी नहीं, कुछ भी नहीं। पानी पीने का बहुत मुश्किल है, 2 किलोमीटर दूर जाके लाना पड़ता है। बहुत प्रॉब्लम चल रहा है सब, भूखा नहीं, पानी पीने के लिए मुश्किल है। धोने के लिए यूज नहीं, खाली 2 महीने से खाली बिठाया करे, कुछ भी नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं काय नहीं, नळ होऊन सनी एक वरीत झालं, लेकरा ही थमचे धाकटे धाकटे, पूरा किती दूर जाऊन सनी पाणी आणावं 1 किलोमीटरवर। पाण्याची किती प्रॉब्लम चालली आहे, उन्हाळ्यात किती मुश्किल आहे। लेकरा असून सनी पाणी नाही ते कसं करावं, पाणी लागणार का, क्या करेंगे सर। पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है, 1 साल से पूरा पानी नहीं, कुछ भी नहीं। देखो बिठाए, देखो नल, पानी नहीं, कुछ भी नहीं सर, 1 साल हो गया पूरा। तो आप पंचायत में जाके बोलना था? बोले सर, बोले तो आ तो बोले, मगर पानी से नहीं, कुछ भी नहीं है। कितना बिठाए देखो ये एरिया में, किसके भी पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं सर। अलियम्बर ग्राम कुड़िया नीरिन सलुवागि सरकार जेजम कामगारि अंतेळि ओंदु ओळ्ळे रीति सार्वजनिकरिगे नीरु कोडिसबेकु अंतेळि सरकार उद्देश। आदरे इल्लि ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೆಜಿಎಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿದರೆ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಾಯಿತು, ಆದರೆ ಒಂದು ಮನೆಗೂ ಹನಿ ನೀರು ಬರಲಂಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತೋಗ್ಯಾವೆ, ಎಲ್ಲವಂತೆಯಲ್ಲಿ ನಳ್ಳಿನ ತುಟಿ ಕಿತ್ತೋಗ್ಯಾವೆ. ಆದರೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ರೀ, ನಾವು ನಾಳೆಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ರೀ, ಮುಂಜಾನೆ ಬರ್ತೀವಿ. EW ಹೇಳಿದೆವು, ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆವು, CSR ಹೇಳಿದೆವು, ಮತ್ತು ಇದು ಜನಸ್ಪಂದನದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆಯವ್ರ ನಾಲೆಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಯಾವುದೇ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಬರಲಂಗೆ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಇದು ಮೇಲ್ಗೆ ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಲತ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಜೆಜಿಎಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಕೂರಿಸಿ ಆ ಕಮಿಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀರು ಬರೋಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮ ಸಚಿವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೇನೆ. ಬಸವರಾಜ ಬಾಯಿ ದೊಡ್ಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಕಿ ಓರ್ ಸೆ YM ಸಾಗರ್ ನೇ ಮಾಂಗ್ ಕಿ ಹೈ ಕಿ ಚಿಮನ್ಚೋರ್ ಸಹಾಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತಾ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ಲೋವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಯೋಜನಾ ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನೇ ಸರ್ಕಾರ ಕೆ ಆದೇಶ ಕೆ ಬಿನಾ ಭಿ सामान बेचने वाले अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए। कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समिति की ओर से YM सागर ने यह मांग की है। गौतम की रिपोर्ट। YM सागर कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समिति अंबेडकर राज्य घटक अध्यक्ष कलबुर्गी जिले
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಳದಂಡೆ ಮುಲ್ಲಮರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವೆಲ್ಲನೂ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರಾದ ವಿಜೇಂದ್ರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎ ಡಬಲ್ ಇ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡಲೇ ಏನಪ್ಪಾ ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಬರುವವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೊಂದು ಒತ್ತಾಯ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಖಲಾತಿಗಳಿದೆ, ಕೋರ್ಟ್ ದಾಖಲಾತಿ ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹಿಂಪಡೆದ ದಾಖಲಾತಿಗಳಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗೋಷ್ಠಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. कर्नाटक राज्य में लगातार हो रहे आपराधिक कृत्यों की पृष्ठभूमि पर उचित कानूनी कार्यवाही करने की मांग को लेकर डीजीपी से शिकायत करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सीएम डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि कर्नाटक राज्य में महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, लड़कियां डरी हुई हैं बाहर आने के लिए. उन्होंने कहा कि आरोपियों को पुलिस नहीं जनता पकड़ रही है. सांसद डीवी सदानंद गौड़ा ने आरोप लगाया है कि राज्य में कोई पुलिस नहीं है और पुलिस कांग्रेस की कठपुतली है. मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार इन सभी मामलों की जांच का निर्देश दे रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस लोगों के लिए नहीं है. तेलुगु इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता चंद्रकांत नहीं रहे. अभिनेता ने शुक्रवार को तेलंगाना के अलकापुर स्थित अपने आवास पर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है. उनके निधन की खबर उनके सह कलाकार और करीबी दोस्त पवित्रा जयराम के एक कार दुर्घटना में निधन के कुछ दिनों बाद आई है. पुलिस द्वारा दर्ज किए गए चंद्रकांत के पिता के बयान के अनुसार अभिनेता पिछले कुछ दिनों से उदास थे. चंद्रकांत पवित्रा की मौत पर गहरा शोक मना रहे थे. अभी हाल ही में अभिनेता चंद्रकांत ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की थी. इस तस्वीर के साथ उन्होंने एक पोस्ट भी लिखा था. उन्होंने लिखा, तुम्हारे जाने की बात पच नहीं रही है, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया. एक बार मेरे पास आ जाओ, मेरी पवी अब नहीं है, कृपया वापस आ जाओ. टीवी सीरियल त्रिनयनी से चंद्रकांत ने काफी फेम हासिल किया था. इस सीरियल के आने के बाद वो काफी मशहूर हो गए थे. वही पवित्रा पहले से ही तेलुगु टीवी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस थी. वो कई सालों से काम कर रही थी. पवित्रा शादीशुदा थी और अपने पति से अलग हो गई थी. कांग्रेस सत्ता में आने पर अयोध्या स्थित राम मंदिर पर बुलडोजर चला देगी. जम्मू कश्मीर में धारा 370 को भी बहाल कर देगी. ये कुछ ऐसे आरोप है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कई रैलियों में लगाते हैं. पीएम मोदी के इन आरोपों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया है. खड़गे ने प्रधानमंत्री पर अपने चुनावी भाषणों के जरिए लोगों को भड़काने और समाज को बांटने का आरोप लगाया. खड़गे ने शनिवार को इंडिया गठबंधन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर यह आरोप लगाया. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार प्रमुख शरद पवार, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे सहित कई दूसरे नेता भी मौजूद रहे. इस दौरान खड़गे ने कहा कि मोदी से पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने लोगों को इस तरह भड़काने का काम नहीं किया है जैसा वह कर रहे हैं. वह बार बार लोकतंत्र की बात करते हैं लेकिन लोकतंत्र के सिद्धांतों का पालन नहीं करते. पीएम मोदी के बयान से जुड़े सवाल पर खड़गे ने कहा, हमने कभी किसी पर बुलडोजर नहीं चलाया. मोदी को उन चीजों को लेकर झूठ बोलने और लोगों को भड़काने की आदत है जो कांग्रेस कभी नहीं करेगी या जिन चीजों को लागू करना असंभव है. रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद. हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद. 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर. देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर. एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482121297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पीओके भारत का है और रहेगा, हम उसे लेकर रहेंगे। शनिवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बुंदेलखंड के झांसी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा पाक अधिकृत कश्मीर पीओके भारत का है, रहेगा और हम इसे लेकर रहेंगे। कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि पाकिस्तान को सम्मान दो, उनके पास एटम बम है, उसके पीओके मत मांगो। मैं कहना चाहता हूं कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, हम एटीएम बम से नहीं डरते। उन्होंने कहा कि चुनाव के चार चरण समाप्त हो चुके हैं, चार चरणों में मोदी जी 270 सीटें लेकर ट्रिपल सेंचुरी की ओर आगे बढ़ गए हैं। राहुल बाभा के इंडिया अलायंस का सपूरा साफ हो गया है, अब ये निश्चित हो गया है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार 18 मई को हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस पर हमला बोला, साथ ही उन्होंने राहुल गांधी का भी जिक्र किया। नड्डा ने कहा कि इन दिनों राहुल गांधी अपने साथ संविधान की एक प्रति रखते हैं, मुझे नहीं पता कि क्या उन्होंने कभी इसे खोलकर पढ़ा भी है। जेपी नड्डा ने स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना का जिक्र किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल किया। नड्डा ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल निर्भया केस को लेकर विजय चौक पर धरने पर बैठते थे, सीएम के ड्राइंग रूम में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया, क्या ऐसे पाखंडियों को सत्ता में आने की अनुमति दी जानी चाहिए, उनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, वे भ्रष्ट और वंशवादी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने मुस्लिमों को आरक्षण दिए जाने को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर हमला बोला है। हेमंत ने कहा है कि लालू अगर मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहते हैं तो उनको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने पिछले दिनों कहा था कि अगर वह जीत जाते हैं तो पूरे देश के मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, अगर वह मुसलमानों को आरक्षण देना ही चाहते हैं तो वह पाकिस्तान चले जाए और वहां धर्म के आधार पर आरक्षण दे, क्योंकि भारत में तो यह संभव नहीं है। इसके साथ ही हेमंत सरमा ने असम में मदरसा बंद करवाए जाने को लेकर अपनी सरकार के फैसले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि असम सरकार ने राज्य के 700 मदरसों को बंद करवा दिया। आप सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम आवास पर मारपीट मामले में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से लेकर कदाचार और दुष्प्रचार तक आम आदमी पार्टी की मॉडस अपरेंडी इस तरह के तौर तरीकों में शामिल होना उनका विचार और शिष्टाचार बन गया है। शहजाद पूनावाला ने आगे कहा है कि आधुनिक समय में द्रौपदी के साथ सिर्फ चिरहरण ही नहीं बल्कि चरितहरण भी हो रहा है। यह घटना 13 मई को राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई, पहले तो वे चुप रहे, फिर उसके बाद उनकी ओर से घटना के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई, इसके बाद आरोपियों को का बेशर्मी से बचाव किया गया। सत्यराज बेशक पूरे भारतीय सिनेमा में एक जाना माना चेहरा है, उन्होंने प्रभास की फिल्म फ्रेंचाइजी बाहुबली में कटप्पा का रोल निभाया था। हालांकि ऐसा लगता है कि एक्टर अपने करियर की उपलब्धियों में एक शानदार प्रोजेक्ट जोड़ने वाले हैं। हाल ही अपडेट में यह बताया गया है कि एक्टर सत्यराज एक बायोपिक में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोल निभाने वाले हैं। अभी इस फिल्म के बारे में कोई और डिटेल शेयर नहीं की गई है, न ही कोई ऑफिशियल कमेंट किया गया है, लेकिन फैंस काफी एक्साइटेड हैं। उम्मीद है कि जल्द ही इस बारे में कोई कन्फर्मेशन दी जाएगी। बता दें कि सत्यराज से पहले विवेक ओबेरॉय और अरुण गोविल भी पीएम मोदी का किरदार निभा चुके हैं। विवेक पीएम मोदी की बायोपिक में उनका किरदार निभाते नजर आए थे। वही अरुण गोविल ने आर्टिकल 370 में पीएम के किरदार में नजर आए।
अब दर्शकों को इस बात की खासी एक्साइटमेंट है कि कचप्पा यानी कि सत्यराज इस रोल में कैसे दिखते हैं। वैसे दमदार पर्सनालिटी और दाढ़ी के हिसाब से देखा जाए तो सत्यराज इस किरदार में काफी दमदार लग सकते हैं। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, नेताओं का प्रचार प्रसार जोरों पर। गोपालगंज में एक ऐसा ही निर्दलीय प्रत्याशी है जो अपना जनसंपर्क गधे पर बैठ कर कर रहे हैं। लोगों के बीच जा जाकर वोट मांग रहे हैं। गधे पर सवार होकर नामांकन भी किया गया। कुचाईकोट प्रखंड के श्यामपुर गांव के रहने वाले पूर्व जिला पार्षद सत्येंद्र बैठा तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन के दिन गधे के साथ जुलूस निकाला और उस पर सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। वही अब गधे पर ही सवार होकर घूम रहे हैं। शुक्रवार को जिला मुख्यालय के मोनिया चौक पर नेताजी गधा पर सवार होकर जब पहुंचे तो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गए। सत्येंद्र बैठा ने कहा, चुनाव जीतकर सांसद चुने जाने के बाद जनप्रतिनिधि दिल्ली चले जाते हैं, अपने जिले का कोई विकास नहीं करते, वोट लेकर जनता को मूर्ख और गधा समझ लेते हैं, इसलिए गधे के साथ प्रचार करने आया हूं। प्रचार कर आईना दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गोपालगंज में पिछले 3 दशक से कोई विकास कार्य नहीं हुआ, डीजल पेट्रोल की भी महंगाई है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार प्रसार के लिए खर्च कहां से आएगा, इसलिए गधे की सवारी कर प्रचार कर रहे हैं और जनसंपर्क कर लोगों से वोट मांग रहे हैं। ताइवान की संसद में शुक्रवार को सांसदों के बीच जबरदस्त विवाद देखने को मिला है। विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई तक पहुंच गया। संसद के अंदर ही लात घुसे और मुक्के चले। हद तो तब हो गई जब सांसद एक दूसरे को जमीन पर लिटा लिटा कर मार रहे थे। यह घटना तब घटी जब 2 दिन बाद ही ताइवान में नए राष्ट्रपति लाई चिंग ने ते की शपथ होनी है। आइए जानते हैं क्यों हुआ विवाद। ताइवान की संसद में एक प्रस्ताव लाया गया, इसके तहत सरकार के कामकाज पर नजर रखने के लिए विपक्षी सांसदों को ज्यादा पावर देने की बात कही गई। इसके अलावा संसद में झूठा बयान देने पर सरकारी अधिकारियों का क्रिमिनल केस दर्ज किया गया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर उत्तर के अलियम्बर ग्राम में पीने के पानी की भारी समस्या। जेजेएम के नल और पानी के पाइप तक टूट गए हैं। स्थानीय अधिकारियों को नहीं परवाह। कर्नाटक प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा नहीं, लड़कियां बाहर निकलने से डरती हैं। डीवी सदानंद गौड़ा का आरोप। एक्ट्रेस पवित्रा जयराम की मौत से आहत हो एक्टर व तेलुगु इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता चंद्रकांत की खुदकुशी। हमारे पास नरेंद्र मोदी हैं, हम एटीएम बंद से नहीं डरते। झांसी में पीओके पर बोले गृहमंत्री अमित शाह। लालू यादव पाकिस्तान चले जाए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर बोला हमला। आज द्रौपदी का चीरहरण ही नहीं चरित्र हरण भी हुआ। स्वाति मालीवाल केस में बीजेपी का आप पर हमला। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।